मुझे सख्त अफसोस कहना पड़ता है कि इस करारदाद पर कम से कम हम सब मुत्तफिक होते, मगर आज भी हमने यहां से अगर गवर्नमेंट बेंच से हो या अपोजिशन बेंच से, उन्होंने अपनी सियासत को यहां पर लाया, एक दूसरे की टांगे खींच रहे। आज ये होना चाहिए था कि तमाम चीजें भुलाकर सिर्फ जो फलस्तीन के हवाले से बातें करते, मगर अफसोस की बात है, मैं समझता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, पहले आपस में तो मुत्तहद हो जाओ, जाकर फिर फलस्तीन की बात करना। आप लोग तो इधर ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, इन पर इल्जाम लगा रहा है, किसी बात पर तो मुत्तफिक हो जाओ। जनाब आला, आज पांचवा महीना है, इसराइल की बर्बरियत है, वहां 31,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी हैं, वो खुराक के लिए तड़प रहे हैं, वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, और हम सिर्फ यहां पर करारदादों पर करारदाद ला रहे हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहे। जनाब चेयरमैन, आज मुश्ताक साहब मैं बैठा हुआ था, मैं भी कुरान शरीफ का मुतायला करता हूं कभी कभार, आज मुझे एक आयत मेरे सामने आई, अचानक आई, मैं आपकी इजाजत से चाहता हूं कि वो मैं सुना दूं उर्दू तर्जमे। जनाब आला, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75, वहां कहता है, और ए मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या जवाज है कि अल्लाह के रास्ते में और इन बेबस मर्दों औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो, जो ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल लाइए जिसके बाशिंदे जुल्म तोड़ रहे हैं, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी पैदा कर दीजिए और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार खड़ा कर दीजिए। सर, गैर मुस्लिम होकर मुझे जब यह आयत आती है, मुझे शर्म आ रही है कि हम यहां पर सिर्फ करादा देश एयर कंडीशन माहौल में, गर्म माहौल में बैठ कर रहे हैं, कुछ अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहे। ये आयत है, और मुझे किसी आलम ने कहा कि इस्लाम में है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आप लड़ो, आप लड़ नहीं सकते हो तो उसके खिलाफ बोलो, आप बोले नहीं सकते हो तो उसके खिलाफ दिल में मुजम्मत करो। तो क्या है, कहां पर है वो चीजें, मुझे बताएं वहां पर क्या, कहां पर ये चीजें। सर, वहां पर मुसलमान नहीं मर रहे, वहां पर मुसलमान शहीद नहीं हो रहा है, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत शर्मा रही है। हमसे तो आप कहते हैं आप लोग काफर है, हमसे तो वो काफर मुल्कों के लोग अच्छे हैं, जहां पर डेली फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं, डेली उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं। जनाब आलम, मैं आपको, सर हमें दे, मुझे दे, मैं पाकिस्तान की 1 करोड़ अकलियती आवाम की तरफ से अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हूं, और हमें फख्र है, मुझे फख्र है, मेरे खानदान को फख्र है कि हमने जुल्म के खिलाफ एले बैत की भी मदद की थी। एले बैत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहमान थे और उन पर जुल्म हुआ, उनके साथ हम मिलकर लड़े, तो हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए भी हैं और उसी रवायत को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आप आए, सबसे पहले हम कोशिश करें कि जंग बंदी हो वहां, ये जो मासूमों का कत्ल है वो रुके, उसके लिए अमली इकदाम उठाएं। आप मुझे कहें, वक्त बनाए, हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया को कहते हैं कि जी वहां पर सबसे पहला काम कर दीजिए, खुदा रहा वहां जंग बंदी करा दीजिए। दूसरी तजवीज है कि वहां फलस्तीन के अवाम को, पाकिस्तान के वहां से 4 जहाज तो गए, मगर मैं कहता हूं कि इस ऐवान बाला से भी एक इमदादी जहाज जाना चाहिए, चाहे वो 20 करोड़ का हो। सबसे पहले धनेश कुमार ऐलान करता है, आप फंड कायम करें, इस ऐवान से 20 करोड़ का, सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का ऐलान मैं करता हूं, मैं आपके फंड में देता हूं। आप करें हया शर्म करें, आए और फंड का ऐलान करें। धनेश ने अगर 1 करोड़ नहीं दिया, मुझ पर लानत 1000 बार। आप 20 करोड़ रुपए का करें, हम आप करें, इधर से हम जाएंगे और इमदाद अपने फलस्तीनी भाइयों को पहुंचाएंगे, अदवियात पहुंचाएंगे, उनके लिए पानी राशन पहुंचाएंगे। आप करें ऐलान करें, अगर मैंने नहीं दिया, मुझ पर लानत। थैंक यू जी।